हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर फूड वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए तिल की नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही सेहतमंद है और सर्दियों में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए उसे बनाते हैं। उसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम सफ़ेद तिल, हमने यहाँ पर 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, 2 चम्मच घी लिया है, 1/2 कप मैंने दूध का पाउडर लिया जिसे मिल्क पाउडर कहते हैं, 1/2 स्पून मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डालूंगी और 250 ग्राम चीनी और 1 कप पानी लूंगी। तो इन सब चीज़ों से आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी ही यूनिक रेसिपी, बहुत ही झटपट बन जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पैन लिया, उसमें मैं तिल को हल्का सा भून लूंगी, थोड़ा सा ही भूनना है, कलर इसका चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा हम इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बस इसे इतना ही रोस्ट करिए कि इसका कच्चापन निकल जाए और हल्का सा ये भुन जाए। तिल सर्दियों में खाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए, तिल हमारे भुन चुके हैं, बस इतना ही भुनना है। इसे हम ठंडा करके ही मिक्सर जार में डाल रहे हैं, गरम गरम इसे नहीं डालना है, अच्छा सा ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसे मिक्सर जार में अच्छे से हम पीस लेंगे। तो जार को हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये जो तिल है कितने अच्छे से पीस चुके हैं, हमें इसी तरह इसे पीसना था। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, बस इसी तरह इसे पीसना है। इसे मैं एक बर्तन में निकाल दूंगी। मैं इसके अंदर नारियल का बुरादा भी डाल दूंगी, उसे भी मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने एक यहाँ पर पैन लिया है, उसमें लगभग 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया, घी को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूंगी। देखिए घी अच्छे से पिघल रहा है, हमें इसे अच्छे से पिघलाना है। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब जो मैंने मिक्सर तैयार किया था वो इसके अंदर डालकर अच्छे से भून लूंगी। फ्लेम को मैं स्लो करके इसे थोड़ी देर के लिए चलाती रहूंगी, मैंने मीडियम फ्लेम पर ही इसे भुना है, थोड़ा सा ही भुनना है, ज़्यादा देर नहीं भुनना है। इस स्टेप से क्या है, जो हम ये रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। रेसिपी में ना तो मैं दूध यूज़ कर रही हूँ, ना ही मलाई, ना ही मावा, बहुत ही ईजी रेसिपी है ये। देखिए जो मिक्सर है उसने घी अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसमें 1/2 कप मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, अब इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप काजू का पेस्ट बनाकर वो इसके अंदर डाल लीजिए। ये देखिए मिल्क पाउडर अच्छे से इसके अंदर मिल चुका है। तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक ये मिक्सर ठंडा होता है, हम दूसरी साइड कढ़ाई में चाशनी रख देते हैं बनने के लिए। मैंने यहाँ पर लगभग 1 कटोरी भर कर चीनी डाल दी है और उसी नाप में 1 कटोरी भर कर पानी डाल रही हूँ। ये देखिए उसी कटोरी से मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। लगभग 1 चम्मच भर कर मैं यहाँ पर इलायची पाउडर डाल रही हूँ। हमें चाशनी बस उतनी ही बनानी है कि इसमें अच्छे से चिपचिपापन आ जाए, हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस चिपचिपापन आ जाए तब तक ही बनानी है। अब चीनी को मैं अच्छे से मिक्स होने दूंगी और अच्छे से घुलने दूंगी। अगर आपके पास चीनी नहीं है तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, अब मैं थाली को ग्रीस कर रही हूँ, जिस थाली में मैंने इस बैटर को डालना है उसे अच्छे से मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारी ये चाशनी अच्छे से तैयार होगी। ये देखिए चिपचिपी भी है और पूरी तैयार नहीं हुई है, तार आधी अधूरी हुई है, बस इतना ही हमें रखना है। तो अब इसके अंदर मैं वो मिक्सर डाल दूंगी जो मैंने अच्छे से तैयार करके रखा हुआ है, वह इसके अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तब तक पकाऊंगी जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे और अच्छे से डो की फॉर्म में ना जाए। इसे मैं लगातार अच्छे से चलाती रहूंगी ताकि बिल्कुल भी नीचे ना लगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। ये देखिए अब ये कढ़ाई छोड़ने लग गया है, मतलब ये हमारा बनकर तैयार है।
तो चलिए अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। जो प्लेट को मैंने ग्रीस किया था उसी प्लेट पे मैंने इसे डाल दिया है। अब मैं चम्मच से इसे अच्छे से सेट कर लूंगी। अब मैं इसे एक साइड पे सारी कर दूंगी ताकि जब मैं पीसेस निकालूं तो थोड़े मोटे मोटे पीसेस बाहर आए। तो ये देखिए, ये मैंने बैटर अच्छे से सेट कर दिया है। अब एक कटोरी पर हल्का सा घी लगाकर मैं इसे अच्छे से फैला रही हूँ ताकि बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो ये देखिए, ये कितने अच्छे से सेट हो गई है। अब इसे ठंडा होने के लिए मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के बाद मैं इसे चेक करूंगी, इसलिए मैं निशान इसके पहले ही लगा लूंगी, उसके बाद मैं इसे रखूंगी 1 घंटा। देखिए मैंने निशान इसके ऊपर पहले से ही लगा दिए हैं ताकि मैं आसानी से पीसेस इसके निकाल सकूं। फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से निशान लगा दिए हैं। अब इसे मैं सेट होने के लिए रख दूंगी 1 घंटा। तो चलिए चेक करते हैं हम इसे। 1 घंटे के बाद ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसके मैं पीसेस को निकाल लूंगी। देखिए कितनी आसानी से ये रेसिपी बन गई है, ज़्यादा समय भी नहीं लिया है और कितने सुंदर पीसेस निकल गए हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही सेहतमंद रेसिपी है। आप इस रेसिपी को इस सर्दी में ज़रूर बनाकर देखिए। आप इसे मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं, चाहे डायमंड शेप में या कोई और शेप में। आप इसे 2 महीने तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं इस रेसिपी को। इस सर्दी में इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अलग रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। मैंने ज़्यादा इसके अंदर सामान भी नहीं यूज़ किया और कितने कम सामान से इतनी स्वादिष्ट रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो इस सर्दी में इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि मेरी ये रेसिपी बनाकर आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरी इंस्टा आईडी को भी जरूर फॉलो कीजिए, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, जरूर उसे चेकआउट कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई नई रेसिपीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.